उपायुक्त सुशांत गौरव ने शनिवार को 7 वर्ष की उम्र में विभिन्न विषयों पर अधिकतम 13 भाषण देने एवं 8 कहानियां बताने वाली गुमला जिले के ससई रोड निवासी आरोही खंडेलवाल के इस अद्भुत एवं अनोखे प्रतिभा की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्ञातव्य है कि आरोही खंडेलवाल को पूर्व में 6 साल की उम्र में मात्र 1 मिनट 58 सैकड़ों में सबसे तेज हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान में आरोही को विभिन्न विषयों पर अधिकतम 13 भाषण देने एवं 8 कहानियां बताने की प्रतिभा के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं नव भारत राष्ट्रीय ज्ञान पीठ द्वारा नेशनल मोस्ट टैलेंटेड किड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग ही हम लोग कहते हैं इस तरह के बच्चे को, जिन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स जो हम लोगों ने भी उनका देखा है। हमने तो अभी उनके एक ही अचीवमेंट पर उन्हें प्राइज दिया, बट जब उनके पुराने रिकॉर्ड्स को हमने देखा तो हर क्षेत्र में, हर तरह की कलाओं में इनके अंदर जो है वो प्रतिभा है। हम आशा करते हैं कि ऐसे बच्चे को आगे भी अलग अलग तरीक़ों से प्रोत्साहन मिलता रहे। हालाँकि छोटे बच्चे हैं, इनकी अपनी नेचुरल टैलेंट है, इसमें अननेसेसरी इनके ऊपर दबाव ना दिया जाए और जहाँ तक इनको जाना है ये जाए। दिस इज़ एडिशनल जो इन्होंने अचीवमेंट किया है, ये अपने नॉर्मल प्रक्रियाओं को भी अच्छे से बनकर आ रखे और जितने आगे जा सके, जहाँ भी कोई मदद पड़ेगी प्रशासन भी देगी। इनके पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इनके ऊपर अननेसेसरी दबाव ना दें, इनके बचपना जो है वो इसे बचा कर रखे, वो इसको भी इंजॉय करें, अचीवमेंट छोड़ेंगे। थैंक यू सर। पिछली बार हनुमान फास्टेस्ट रिसाइटेशन ऑफ हनुमान चालीसा किया था, जिसमें इसने 1 मिनट 58 सेकंड में संपूर्ण हनुमान चालीसा बोली थी। इस बार उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीचेस में रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उसने 13 स्पीचेस बोली हैं, जिसमें 8 इंग्लिश में है और 5 हिंदी में है। उसके अलावा इसने हमने 8 स्टोरी भी बुलवाई थी इससे, जो हमने भेजी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो उन्होंने एक्सेप्ट की। तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीचेस और स्टोरी टेलिंग दोनों में बना है। अभी क्या हुआ, अभी क्या किया ऊपर ने? अभी डीसी सर से हम लोग ने मुलाकात की और उन्होंने खुद से एक सर्टिफिकेट दे के उसे सम्मानित भी किया, जिसकी हमें बहुत खुशी है और डीसी सर से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सीमा खंडेलो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।